कैसे शताब खान भैया, हमारा बल्लेबाजी तुमको फिर कैसा लगता? हम 58 रन बनाता, अभी तो वो भूतनी का आजम खान हमको रन आउट करवा गया, वरना 15 ओवर में टारगेट पूरा होना था, 6-7 विकेटों से ठोकना था, बच गए ये लोग। कॉलिन मारो, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, फिर क्या हुआ, फिर भी 4 विकेटों से इनको ठोका, और तो और 10 गेंदें बच गई। आजम खान भी बढ़िया खेला, वो भी आउट हो गया, आसफ अली को भी मौका मिला, और अंतिम में हमारे गेंदबाज ने छक्का लगा के इनसे मैच छीन कर दिखाया। शदा भैया, हमारी टीम ने जीत जाना था, हमारी फील्डिंग बेकार हुई, कैच छोड़ दिए, वरना तो हम लोगों से 150 रन नहीं बनने थे यार। इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारे फील्डरों ने मेरी बैटिंग पर पानी फेर दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से आधा शतक ठोका था। अबे चुप कर हैदर अली के बच्चे, इधर तो शतक भी लगा था, 250 करोड़ होता ना, हमने टारगेट पूरा करना था, वो तो मुझे खुल के खेलने का मौका नहीं मिला। मैं आराम से जब मेरे छक्के लगते हैं पता है ना, फिर मैं 4-4 छक्के एक ही ओवर में लगाता हूँ। ऐसा भैया बस कर, भूतनी की इतनी गेंदे खेली, 5-6 रन तो तेरे से कोई अच्छा ढंग का शॉट लगा नहीं, वो तो शुक्र मना, आखिर में रन थोड़े बचे थे, विकेटें गिर गई, लेकिन इधर भैया रन थोड़े से और होते ना, हमारा था मैच ये आज का। हाँ वसीम भैया, आज मैंने भी बल्लेबाजी अच्छी की, 34 रन बनाए, हैदर अली ने तो कमाल किया, लेकिन आज आपका बल्ला नहीं चला, आप पहली गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, आप भी रन बना लेते पिछले मैच की तरह, इधर 200 का टारगेट होना था, इनकी फट जानी थी, कभी नहीं जीतना था। शर्जील भैया, इधर इनकी फट गई थी, पहले इनके थोड़े कैच ड्रॉप हो गए, और आखिर में भैया विकेटें अच्छी ली, लेकिन भैया इतने रन नहीं बचे थे, पहले थोड़े से रन ज्यादा खर्च कर दिए, हमारे फील्डरों ने फील्डिंग अच्छी नहीं की बस। अबे बस करो ससुरी वाले, इतना काय को चिल्ला रहे, एक तो मैच हार गए, ऊपर से कह रहे ये हो गया वो हो गया, तुमसे खेला ही नहीं गया था, बढ़िया खेलना था, हम तुमसे बढ़िया खेले इसलिए जीते हैं, अब जितनी मर्जी फड़फड़ा लो, मैच तो हार गए हो ना। शता भैया, इनके साथ मिलकर अपना दिमाग काय को खराब कर रहे हो, ये कराची वाली के प्लेयर हैं, भूतनी के पिछले साल भी एक मैच जीते थे पूरे सीजन में, इस साल लगता है एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे। अबे बस कर आसफ अली के बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा, देख लेना हमारी टीम आगे क्वालिफाई करेगी, हार लिए जितने मैच हमने हारने थे, अब देखना हैदर अली का बल्ला चलेगा, हर मैच में कमाल करेगा, आज भी कमाल किया लेकिन जीत नहीं पाए। हाँ हैदर भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा बल्ला भी चलेगा, आगे हम तमाम मैच जीतेंगे, आगे क्वालिफाई करके दिखाएंगे, फिर इनके मुंह बंद होंगे, जो लोग कराची वालों पर हंस रहे हैं कि बाबर चले गया, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ शर्जील भाई, आप बल्ला चलाना, हम गेंदबाजी बढ़िया करेंगे, और अहमद वसीम भैया तुम अपने फील्डरों को बोल देना कि भैया कैच पकड़ लिया करो, कैच ड्रॉप नहीं किया करो, अब हम टाइटल जीत कर दिखाएंगे फाइनल, समझ गए ना। अबे चुप करता कराची के थका हुआ प्लेयर, तुमसे कुछ नहीं होता, तुमको एक तो शर्म हया नहीं आता, इतना बेइज्जती हो गया, कोने में जाके मुंह छुपाओ, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, जाके सो जाओ, फोकट में दिमाग खराब नहीं करो, वसीम भैया समझा लो इनको। अबे चुप कर ससुर के नाती कोलोन मोरे के बच्चे, आपने आज अपनी टीम को मैच क्या जितवा लिया, 2-4 छक्के लगा के बहुत फुतकड़ा है, अब देखना आगे आगे इस पीएसएल में हमारी टीम क्या कमाल करती है, टाइटल जीत कर दिखाएंगे, फिर आपका मुंह बंद करेंगे, समझ गए ना। वसीम के बच्चे, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, लंबी लंबी छोड़ते जाओ, छोड़ने पर कौन से पैसे लगते हैं, हकीकत आपको पता है, पिछले साल वाला ही हाल होगा आपका। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।